दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जिस रफ्तार से अभिषेक मल्हानी यानी कि फुकरा इंसान बिग बॉस के घर में ग्रो कर रहे हैं, उससे वो बाकी कंटेस्टेंट पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि पूजा भट्ट, साइरस बुरुचा, अवीना सचदेव और बाकी के सारे ही घर वाले। लेकिन दोस्तों रविवार रात को एक टास्क हुआ जिसमें घर वालों को कुछ बातें या डायलॉग सुनाए गए जो उनके साथी कंटेस्टेंट्स ने कही थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये बातें किसने कही थी और उन घर वालों को ये बातें गैस करनी थी कीचड़ फेंक कर। तो दोस्तों उस टास्क के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि एक डायलॉग दिखाया गया जो कि जिया शंकर के खिलाफ बोला गया था, और वो बोला गया था अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी के द्वारा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से उस डायलॉग को पोर्ट्रे किया गया है उस एपिसोड के दौरान, वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसको गलत एंगल दिखाकर पेश किया गया है। और दोस्तों अब फुकरा इंसान के फैंस का कहना है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस भी अभिषेक मल्हान के गेम और उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करना चाहता है, जिसके चलते उन्होंने अभिषेक मल्हान के इस डायलॉग को इस तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाया है। तो दोस्तों इस पर आपको क्या लगता है, क्या जो डायलॉग अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी ने जिया शंकर के बारे में बोला था, क्या उसी तरीके से बिग बॉस ने वो डायलॉग दिखाया है, या उसमें कुछ फेर बदल करके बिग बॉस ने वो डायलॉग संडे वाले एपिसोड में दिखाया है? तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इस मुद्दे में आप किसको दोषी ठहराते हैं, क्या बिग बॉस को या फिर अभिषेक और मनीषा को, हमें उसके बारे में भी जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।